आप गेस्ट टीचर हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये मैसेज आपके पास भी अभी तक आ चुका होगा जिसमें कि क्लियर मेंशन किया गया डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ऑफ गेस्ट टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल एंड टेकन ओवर स्कूल ETC ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं DOE के अंतर्गत, वो गवर्नमेंट स्कूल हों, एडेड हो, अनएडेड हों, तो किसी भी तरीके के स्कूल हों, उनमें गेस्ट टीचर्स सेवाएँ दे रहे हैं अपनी, उनके सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि उनको जो सेवाएं दे रहे थे उनकी जॉब थी उसने जॉब को जो डिसकंटिन्यू कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पर एक सर्कुलर मेंशन किया है इन्होंने 25/2/2022 का, जिसमें कि समर वैकेशन ड्यूरिंग जो है वो आपके समर वैकेशन पड़ेंगी 11 तारीख से लेकर के 30 जून तक, 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो कन्फ्यूजन काफ़ी सारा बना हुआ है कि भाई क्या ये जो सर्कुलर है गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, क्या गेस्ट टीचर्स अब स्कूल में नहीं लगेंगे, अब उन्हें हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लीजिए, हैंस ऑल द हेड ऑफ स्कूल आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द गेस्ट टीचर्स इंगेज इन देयर स्कूल 11/5/2022, यानी कि 11/5/2022 को जितने भी गेस्ट टीचर उनकी सेवाओं को डिसंगेज कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको मेंशन किया हुआ है, लाइक यहाँ से आप देखोगे HOS ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अंडर DOE मे इंगेज गेस्ट टीचर्स फॉर समर कैंप अंडर मिशन बुनियाद, द गेस्ट टीचर्स हु शैल बी इंगेज ड्यूरिंग द समर वेकेशन विल बी पेड एज पर नॉर्म्स। यानी कि होता क्या है कि जो गेस्ट टीचर्स को एक सेशन के लिए अपॉइंट किया गया था है, लाइक 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, अब जो सेशन अभी चल रहा था पीछे वाला वो चल रहा था 21/22, तो 21/22 में जो भी गेस्ट टीचर्स लगे हुए थे, हर साल ये सर्कुलर आता है कि उन्हें लास्ट वर्किंग डे उसको रिलीव कर दिया जाता है। हमारा लास्ट वर्किंग डे होता है 10 मई, तो 10 मई को टर्मिनेट कर दिया जाता है 11 मई से और 30 जून तक, फिर से स्कूल ओपन होता है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से फिर से इनकी सेवाओं को ले लिया जाता है और फिर से इंगेजमेंट के लिए एक ऑर्डर आता है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई और जो भी प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी समर वैकेशन में कुछ समर कैंप चल रहे हैं, क्लासेज 10th और 12th की क्लासेज भी चल रही हैं, साथ में एग्जामिनेशन की ड्यूटी वगैरह रहेंगी, तो इनमें गेस्ट टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है और जा रहा है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स मैक्सिमम स्कूलों में सिर्फ गेस्ट टीचर इस समय समर कैंप चला रहे हैं, क्योंकि परमानेंट जो टीचर्स हैं वो अपने छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं और वो अपनी छुट्टी पे हैं। तो अगर गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो ऐसे में जो दिल्ली शिक्षा जो दिल्ली सरकार है समर कैंप वो डगमगा जाएगा और समर कैंप को बंद करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर टेंशन फ्री रहिए, जो भी गर्मियों में समर कैंप वगैरह वगैरह में टीचर्स को बुलाया जाएगा उसमें क्लियरली लिखा है कि भाई पेड एयर पर नॉम्स, यानी कि उनको पेड मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पूरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यह हर साल आता है, साल भी आया है, फिर से जुलाई में इंगेज होगा और जो भी समर कैंप वगैरह में लगे सबको पूरी सैलरी मिलेगी। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी कुछ और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर बटन दबाइए ताकि इन फ्यूचर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।